माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास में जो क्लासरूम प्रेजेंटर है, यहाँ मैं लिख चुका हूँ कि हाउ टू यूज पेन टैबलेट विथ ओबीएस स्टूडियो, राइट। अगर आपके पास में ग्राफिक्स टैबलेट है और आप ओबीएस के साथ में उसको यूज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी? नंबर वन कि आपके पास में ग्राफिक्स टैबलेट हो, ऑब्वियस है कि आपके पास में होगा। नंबर टू, ऑनलाइन व्हाइट बोर्ड। ऑनलाइन व्हाइट बोर्ड क्या है कि जैसे अभी लेसन पैड, वन नोट, क्लासरूम प्रेजेंटर, इस तरीके से बहुत सारे ऑनलाइन व्हाइट बोर्ड अवेलेबल हैं, राइट। तो यहाँ मैं जो अभी यूज कर रहा हूँ, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये क्लासरूम प्रेजेंटर है और इस तरीके से मैं इसको यूज करूँगा। तो ये यहाँ मैं इसी बोर्ड पर वट एवर आई हैव टू टीच दैट थिंग आई विल टीच हियर, राइट। सो नाउ आई एम यूजिंग दिस ओबीएस एंड हियर ऑन ओबीएस व्हाट आई डिड, इस साइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ एक सीन क्रिएट करना होगा आपको। आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड थ्री डिफरेंट सीन फॉर डिफरेंट पर्पजेज, बट इन योर केस आपको केवल एक सीन यहाँ पर क्रिएट करना है। कैसे करना है? ये जो प्लस का साइन है, इस प्लस को साइन को आपको क्लिक करना है और यहाँ ओके कर देना है। तो जैसे अभी ये सीन नंबर फोर क्रिएट हुआ है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ब्लैक स्क्रीन आपको दिख रही है, वो कुछ भी अवेलेबल नहीं है। उसके बाद क्या करना है, आपको सोर्सेज क्रिएट करने हैं। सोर्सेज जैसे कि मैं अभी यहाँ आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा जूम करके आपको बता दूं कि वो रिफ्लेक्शन खत्म हो जाए, तो ऑब्वियस है ये आपको आइडिया हो चुका होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि विंडो कैप्चर, वीडियो कैप्चर डिवाइस। विंडो कैप्चर का मतलब ये है कि जैसे कि आपके पास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, या जैसे कि मैं अभी क्लासरूम प्रेजेंटर सॉफ्टवेयर यूज करूंगा या वन नोट यूज करूंगा, तो मैं उन सब के लिए विंडो कैप्चर यूज करता हूँ। वीडियो कैप्चर का मतलब ये है कि मेरे पास में जो ये वेबकैम लगा हुआ है ऊपर की साइड में, मैं इस वेबकैम को यूज करने के लिए आपका ये वीडियो कैप्चर डिवाइस यूज करूंगा। आई होप कि ये यहां तक आपको आइडिया क्लियर हो चुका होगा, राइट। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि किसी पॉइंट पे, क्योंकि अभी ये मैं कैमकॉर्डर के थ्रू ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि कुछ जूमिंग या कुछ इस तरीके का पॉइंट रह जाए, लेकिन मैं ट्राई करूँगा अपनी तरफ से कि ये आपको क्लियर हो, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग इस पॉइंट को शायद पूछ रहे हैं। तो ये फिर VLC वीडियो सोर्स है। अगर आपके पास में VLC वीडियो सोर्स है और वहाँ पे वीडियो चल रही है, तो वहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे, ऑप्शन आ जाएगा, टेक्स्ट है, सीन है, मीडिया फाइल कोई भी है, इमेज है, या इमेजेस का स्लाइड शो दिखाने चाह रहे हैं। जो गेमिंग वगैरह करते हैं ना, ये PUBG वगैरह खेलते हैं, तो ये इसी को यूज करते हैं। डिस्प्ले कैप्चर में क्या होगा कि आप जो भी चीज़ चाहेंगे यहाँ स्क्रीन पर, वो ही आपको नजर आएगा। कलर सोर्सेज हैं, कलर, अगर आपको ब्राउजर का मतलब ये है कि आप किसी भी वेबसाइट को अगर यहाँ पर डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, तो तब आप इस ब्राउजर को यूज करेंगे। ऑडियो आउटपुट इनपुट का मतलब ये है कि आप जो मीडिया फाइल यूज कर रहे हैं, जो कोई दूसरा सोर्स यूज कर रहे हैं, तो उसकी जो इनपुट फाइल है, राइट। तो अब यहाँ इस केस के लिए जो आपका पॉइंट है कि मेरे पास में एक ग्राफिक्स टैबलेट है, उस ग्राफिक्स टैबलेट को जैसे कि आप देख रहे हैं, ये कोई ग्राफिक्स टैबलेट है और इस ग्राफिक्स टैबलेट को मुझको यूज करना है ओबीएस के साथ में, तो दिस इज द मेन प्रॉब्लम, राइट। अब मैं क्या करूंगा, यहां सबसे पहले एक विंडो कैप्चर सोर्स क्रिएट कर दूंगा। ये विंडो कैप्चर दबाया, यहाँ एक पॉपअप विंडो ओपन हुआ, यहाँ पर विंडो कैप्चर ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने पहले भी किया हुआ है, तो इसलिए वो लिस्ट यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। आपको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट क्लिक दी ओके, राइट। तो अब यहाँ ओके में आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने ये विंडो कैप्चर ओपन किया, एकदम मेरा जो व्हाइट बोर्ड था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। आपके केस में हो सकता है कि एकदम ना हो, तो आप यहाँ पर पहले इसको ओपन करके रखें, जो आपका, जो मैं सबसे पहले जहाँ पे स्टार्ट किया था, ये चीज जहाँ पर भी आपको लिखना है उसको आप ओपन करके रखें, राइट। तो अब ये जो विंडो कैप्चर डिवाइस है, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको करता हूं, तो इसने वहां से एकदम पिक कर लिया, लेकिन अगर आपके केस में ऐसा नहीं हुआ, तो ये जो विंडो लिखा है ना यहाँ पर, विंडो, इसके सामने ये जो बॉक्स है, तो यहाँ पर देखो आप, ये क्लासरूम प्रेजेंटर, इंस्ट्रक्टर, इस तरीके से लिखा हुआ है,
राइट, तो आपको यहाँ से उस सॉफ्टवेयर को एक्चुअली सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास पीपीटी है तो आपको पीपीटी सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास में ऐसे जैसे मेरे पास में सॉफ्टवेयर है, अगर ऐसा कुछ है या वन नोट है, तब आपको उसको यूज करना है। ओके, तो अब ये मैंने ओके कर दिया है। तो अभी आप मैं देख रहे हैं कि मुझको ये थोड़ा सा एडजस्ट करना है। एडजस्ट कैसे करते हैं, ये जो रेड कलर की बाउंड्री आप देख रहे हो ना, इसको आप कहीं से भी पकड़ लो इस तरीके से, और ऐसे इसको आप कहीं भी आप ड्रैग कर सकते हैं इस तरीके से। तो जनरली मैं क्या करता हूँ, मैं इसको स्क्रीन में फिट करने की ट्राई करता हूँ। तो पहले मैं इसको यहाँ आप देख रहे हैं स्टूडियो मोड, और तो मैं इसको स्टूडियो मोड में लेके आ जाऊँगा। मुझको ये ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लें जो भी जैसे भी आपको ठीक लगता है, क्योंकि ये ज़्यादा किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए, अपने अकॉर्डिंग भी एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। तो यहाँ ये मैं थोड़ा सा इस साइड में रख लेता हूँ, वाइट को मैं थोड़ा सा हाइड कर दूंगा, और ये कलर अभी आपके लिए रखता हूँ। और यहाँ ट्रांजिशन एक्चुअली जो है वो करना ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रीव्यू है और ये प्रोग्राम है। आपकी जो आउटपुट है एक्चुअली, जब ये आप स्टूडियो मोड यूज करते हैं, तब ये यहाँ जो रहेगा इस सेक्शन में वो ही रिकॉर्ड होगा। अगर आपने ऐसे किया और यहाँ पे ऐसे चलता रहा तो ये ही रिकॉर्ड होता रहेगा। अब मैं ट्रांजिशन के थ्रू एक्चुअली ये सीन को जो है इधर लेके आया। तो अब यहाँ जो लेफ्ट पार्ट बचा हुआ है, इसमें आप क्या रख सकते हैं, इसमें आप अपना फोटो रख सकते हैं। आप इसमें जैसे अभी मैं एक कैमरा यूज करता हूँ, ये वीडियो कैप्चर डिवाइस, तो यहाँ ओके। और मैं देखता हूँ कि एक कैमरा जो है, आप मेरे पास में दो कैमरे हैं अभी, या तो मैं किसी एक को यूज कर लूँगा, जो वेबकैम ये है मेरे पास में लॉजिटेक का। तो अब ये ऑलरेडी एक्चुअली यूज हो रहा है, तो इसलिए यूज यहाँ पर नहीं होगा। और ये कैमरा जो है, ये दूसरा कैमरा है, तो ये यहाँ पर है, तो इसी को मैं अभी आपके लिए यहाँ यूज कर लेता हूँ। इसको फिर मैं ऐसे ही सेट कर दूंगा इस पॉइंट पर, राइट। तो उसका फेस जो है उधर, वो कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ है, इसलिए वो चीज उधर आई हुई। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि ये लेयर बन रहे हैं, सोर्सेज के अंदर ये लेयर है। अगर मैं इस लेयर को यहाँ इस बटन से ऊपर की तरफ कर दूंगा, तो विंडो कैप्चर जो है अभी वो उसके ऊपर आ चुका है, जो कैमरे की लेयर है, राइट। तो अगर कभी आपका ये इस तरीके से ऊपर नीचे हो, तो आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। जैसे अब छोटा सा और एग्जांपल लेके, आप देख रहे हैं कि मैं ये वीडियो कैमरा लेके आ चुका हूँ बोर्ड के ऊपर, तो बोर्ड के ऊपर तो ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा मैनेज कर दूंगा और मैं विंडो कैप्चर को जो है इसके ऊपर लेके आऊंगा। तो अब विंडो कैप्चर की लेयर ऊपर आ चुकी है, तो इस तरीके से वो जो कैमरा है वो नीचे आ चुका है। तो जितना पार्ट आपको शो करना है वो पार्ट आप शो कर सकते हैं, तो ऐसे ये मैनेज होगा। फिर यहाँ मैं अभी, क्योंकि थोड़ा गर्मी अभी हो चुका है और रिक्वेस्ट आप लोगों ने किया था, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ट्राई करूँगा कि इतने से आपको आइडिया हो जाएगा। अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क दैट क्वेश्चन, राइट। तो यहाँ ये दोनों चीज़ कंप्लीट हो चुकी है। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, नाउ सपोज कि मुझको अब ये लेक्चर यहाँ सेट हो चुका है सब कुछ जो मुझको करना था। अब यहाँ से ये देखिए, इस साइड में लिखा हुआ है स्टार्ट रिकॉर्डिंग, तो अब मुझको रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है। तो ये देखिए, मैं अब स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ। मेरी जो साउंड है उसको मैंने यहाँ से ऑडियो जो है उसको चेक कर रहा हूँ, ये यहाँ पर वाइब्रेट कर रहा है, दैट मीन्स कि जो मेरा माइक है एक्चुअली वो अभी वर्किंग कंडीशन में है। तो यहाँ ये मैं माइक इस तरीके से यूज कर रहा हूँ, और ऐसे तो ये इधर भी लेके आ जाऊँगा तो अभी आपको दिखाई पड़ जाएगा। तो अब मेरे अभी यहाँ एक्चुअली दो पॉइंट हैं। तो एक जो कैमकॉर्डर मैं यूज कर रहा हूँ, जिसके थ्रू ये सारा इस रिकॉर्ड हो रहा है, मेन तो साउंड उसी की है, और ये जो साउंड है ये इधर जो रिकॉर्ड होगा उसके लिए, राइट। तो स्टार्ट रिकॉर्डिंग, राइट। तो जैसे ही मैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग करूँगा, मैं केवल इस चीज़ को अभी देख रहा हूँ। तो एट दिस पॉइंट एक्चुअली व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव जस्ट स्टार्ट द फाउंडेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। लाइक जैसे कि मैं अभी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ हाउ टू यूज पेन टैबलेट विथ OBS स्टूडियो। तो ऐसा जब मैं बोल रहा था, तो उसी टाइम उसी ड्यूरेशन के अंदर मुझको क्या करना है, ये जो कीबोर्ड है इसका अल्ट, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये मैं अल्ट और ये टैब बटन दबा दूंगा उसी ड्यूरेशन में,
तो आप जब ये देखोगे तो वहां सामने देखो आप, ये डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन आ रही है। तो मुझको जो स्क्रीन चाहिए वो ये चीज है जहां मेरा बोर्ड है, ऑनलाइन बोर्ड है। तो मैं स्विच कर जाऊंगा इस पॉइंट पर इमीडिएटली, एंड नाउ आई विल स्टार्ट दी टीचिंग। तो वो कंटिन्यूअस चीज चल रही है, जो अभी भी चल रहा था, रिकॉर्डिंग अभी चल रही है, राइट। तो यहाँ मैं जो पॉइंट डिस्कस करने का है कि रिक्वायरमेंट फॉर दिस ग्राफिक्स जो होगा इस पर्पज के लिए, नंबर वन ग्राफिक्स टैबलेट, नंबर टू ऑनलाइन व्हाइट बोर्ड। ऑनलाइन व्हाइट बोर्ड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट टू द लेसन पैड, वन नोट, क्लासरूम प्रेजेंटर, एंड देयर आर सो मैनी, एंड एट द नंबर थ्री OBS। सो दीज आर दी जो कंपोनेंट्स हैं। एंड एट द नेक्स्ट पॉइंट, नो आप देखिए कि मैं जो कुछ करूंगा वो इसी जो बोर्ड है इसी बोर्ड पे करता रहूंगा, विदाउट टेकिंग केयर ऑफ दैट व्हाट इज गोइंग ऑन टू दी OBS, राइट। तो स्क्रीन बैकग्राउंड कलर जैसे मैंने अभी यहाँ पर अभी ब्लैक किया हुआ है, येलो कलर का पेन यूज किया है, तो इट्स माय चॉइस। आप अपने अकॉर्डिंग इसको ब्लू करिए, ग्रीन करिए, व्हाइट रखिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। नाउ हाउ टू स्टार्ट। तो स्टार्ट करने के लिए पहले मैंने क्या किया, मैं गया OBS पर, वहां मैंने सारा सेटिंग कर लिया। तो सेटिंग किया, सेटिंग जब कंप्लीट हो गया तो मैंने रिकॉर्डिंग जो बटन है उसको प्रेस कर दिया और वहां पर फाउंडेशन टॉपिक की रख दिया। देन आफ्टर मैंने क्या किया, अल्ट टैब बटन यूज किया और यहाँ जो बोर्ड है उस बोर्ड पर मैं आ चुका हूँ। आई होप ये अभी आपको दिखाई पड़ रहा होगा और क्लियर भी हो रहा होगा कि मैं करता कैसे हूँ। एंड देन आफ्टर जो टॉपिक है, नाउ मैं अभी व्हाइट बोर्ड पर हूँ एंड यहाँ मैं जो भी कुछ करूँगा विदाउट टेकिंग केयर कि यहाँ पे क्या है, कितना क्या है, मैं केवल इसी स्क्रीन पर करता रहूँगा। एंड देन आफ्टर एक्सप्लेन दी टॉपिक, यहाँ एवरीथिंग हैज बीन कम्प्लीटेड। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अगेन ये अल्ट टैब बटन यूज करूँगा, राइट, एंड मैं कहाँ जाऊँगा, OBS पर चला जाऊँगा। तो इस तरीके से जो मेरा ये पार्ट है, यहाँ जो टॉपिक है वो टॉपिक फिनिश हो चुका है। एंड मैं यहाँ जो भी मुझको कुछ लिखना है वो मैं लिख दूँगा, और कीप वॉचिंग वट एवर यू वॉन्ट टू से। और उसके बाद अब देखिए कि मैं फिर दोबारा से ये अल्ट और टैब बटन यूज करूँगा, यहाँ अल्ट और ये टैब, और इस तरीके से ये स्क्रीन आ जाएगी और मैं उसी को सेलेक्ट करूंगा। देखिए यहाँ से किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो ऑनलाइन ना, और अभी भी आप जो आपके टॉपिक की एक्सप्लेनेशन है वो चला हुआ है, एंड यू जस्ट कम ऑन टू दी जो आपका फाइनल स्क्रीन थी वाइट बोर्ड पे। तो जो रिकॉर्ड हो रहा है वो रिकॉर्ड, अब ये फाइनल स्क्रीन ये था, राइट, क्योंकि मैंने यहाँ ट्रांजिशन नहीं किया तो इस तरीके से ये पार्ट नहीं आया उस टाइम, और यही पार्ट उसमें चलता रहा। तो ये सब पॉइंट जो है माइंड में रखने के हैं, और धीरे धीरे वो सब आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, एंड आई हैव स्टॉप्ड दिस जो वीडियो है, एंड यस, अब इसकी फाइनल जो है आउटपुट देखते हैं। और आउटपुट के लिए ये मैं अपने जो फोल्डर है उस फोल्डर में गया, मैं केवल इस चीज को भी देख रहा हूँ। तो एट दिस पॉइंट एक्चुअली व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव जस्ट स्टार्ट द फाउंडेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, लाइक जैसे कि मैं, तो ये पॉइंट में अगर आप देखेंगे वीडियो को फ्रॉम द बिगिनिंग, तो ये मैं कहाँ बोल रहा था इस पॉइंट को, इफ यू रिमेम्बर, क्या आप बता सकते हैं ये पॉइंट मैंने कब बोला था, कहाँ बोला था? ये सब मैंने OBS का जो स्क्रीन था, ये यहाँ ये जो स्क्रीन था इस पॉइंट पर बोला था, लेकिन ये तो नहीं दिखाई पड़ा, आउटपुट में जो था वो ही वहाँ पर रिकॉर्ड हुआ है, राइट। तो ये जो पार्ट हुआ, फिर उसके बाद मैंने यहाँ सेट कर दिया था लेकिन ट्रांजिशन नहीं किया तो इसलिए वो नहीं आया। अभी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, मुझको क्या करना है, ये जो कीबोर्ड है इसका अल्ट, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये मैं अल्ट, और ये टैब हमने देखो जहाँ मेरा बोर्ड है टीचिंग। तो अब ये देखिए, ये तो हुआ आउटपुट, आउटपुट में किसी को नहीं दिखाई पड़ रहा, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कीबोर्ड के थ्रू की अल्ट और टैब बटन दिखा रहा था मैं आपको, राइट, तो वो तो किसी को नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन ये आउटपुट वैसे ही चलती जाएगी। तो जो पॉइंट है बस यही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब आप अल्ट और टैब करते हैं
साथ साथ में आपको ट्रांजिशन भी देखना है, अगर आप स्टूडियो मोड कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग को भी देखना है कि आपने रिकॉर्डिंग का बटन वहां दबा दिया है या नहीं। वो कंटिन्यूअस चीज चल रही है, जिस ग्राफिक्स जो होगा इस पर्पस के लिए, नंबर वन ग्राफिक्स टैबलेट, नंबर टू। तो अभी आप देख रहे थे कि मैं इस पर व्हाइट बोर्ड पर स्विच कर चुका था और ये सब एक्सप्लेन करने लगा था। ओबीएस, सो दीज आर द जो कंपोनेंट्स हैं, एंड एट द नेक्स्ट पॉइंट नो आप देखना पड़ेगा इसको ब्लूप्रिंट है। मैंने क्या किया, मैं गया ओबीएस, वहां पर फाउंडेशन टॉपिक की रख दिया। देन आफ्टर मैंने क्या किया, अल्ट टैब बटन यूज किया और यहाँ जो बोर्ड है उस बोर्ड पर मैं आ चुका हूँ। आई होप ये अभी आपको दिखाई पड़ रहा होगा और क्लियर भी होगा होगा कि मैं करता कैसे हूँ। यहाँ पे कम होगा ओबीएस की वॉचिंग स्क्रीन आ जाएगी और जो आपका फाइनल स्क्रीन थी व्हाइट बोर्ड पर, तो जो रिकॉर्ड। तो अभी आप देखिए यहाँ पर इस स्क्रीन पर कहीं भी ओबीएस का अभी जो है कुछ भी डिस्प्ले में नहीं है, लेकिन जो वीडियो स्टार्टिंग थी उस जगह, अब यहाँ मैं पॉइंट आपको कर चुका था कि जब मैं बोल रहा था कि ये ट्रांजिशन नहीं हुआ है, तो इस वीडियो में आप उसको पिछली रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। तो लेकिन आपका जो आउटपुट होगा, जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, वो जो आप अभी यहाँ पर देख रहे हैं वो इस शेप में होगा, और यहाँ इसके बाद में आएगा रोल जो है वो वीडियो एडिटिंग का। अगर आपका ये विदाउट एनी मिस्टेक निकल जाएगा तो वेरी गुड, बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि मुझको भी काफ़ी टाइम हो चुका है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक रहता ही है, तो आपको थोड़ा फिर वीडियो एडिटिंग सीखना होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो स्क्रीन कास्टोमेटिक है वो रीजनेबल है, या मोवावी का आपको कोई ठीक लगता है या फिर फिल्मोरा का लगता है, कोई भी, तो उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो एडिटिंग के लिए उनको यूज कर सकते हैं इन द बिगनिंग, क्योंकि जो पेड वर्जन है वो थोड़ा इजी रहते हैं और कंफर्टेबल रहता है थोड़ा सा। तो ये नॉर्मल इस तरीके से आप जो है ओबीएस को यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपका जो पॉइंट होगा वो क्लियर हो चुका होगा, एंड एट द लास्ट आई विल से ओनली वन थिंग दैट आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू दैट यू आर लर्निंग एंड यू आर क्रिएटिंग द डिजिटल कंटेंट। बट एक सजेशन और भी है कि जब आप वीडियो कंटेंट क्रिएट कर लें तो यू कैन शेयर दैट कंटेंट विद मी इफ पॉसिबल थ्रू दी जो भी आपको मोड सुटेबल लगता है, आप ईमेल के थ्रू आप उसको शेयर कर सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि यहाँ एक जो कंटेंट है, आप जैसे कि अपनी फिजिक्स देख रहे हैं आप, वो मेरी वेबसाइट है, तो उस वेबसाइट पर जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया हुआ है, तो वहाँ से आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू भी आप जो वीडियो है उसको शेयर कर सकते हैं। तो वो सेकंड पेज पे कहीं होगा जहाँ तक मुझको लग रहा है। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आप अपना जो यूट्यूब का वीडियो है उसको आप शेयर कर सकते हैं, एंड देन आफ्टर जो भी आपका डिस्कशन का पॉइंट होगा या इस तरीके से जो भी आपको जज करना है या किसी पॉइंट को एनालाइज करना है उस पॉइंट को देखते हुए, तो वो कंटेंट आप वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा तो वो मैं क्या बोलूँ इस बारे में, वो तो ये यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप है, इसको आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे तो नहीं, ये आपकी इच्छा है। राइट, सो थैंक यू फॉर आपका जो हो सके कि अच्छा तरीके से ये एडजस्ट हो जाए, और आप कीप शेयरिंग जो कंटेंट है आपका, एंड एट द लास्ट वंस अगेन थैंक यू सो मच।